हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपका अपने ही कुकिंग चैनल पर जिसका नाम है रेस्टोरेंट स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही शाही डिश बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे शाही गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो ये देखिए, ये गोभी लिए हमने, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हो। इसी तरीके से आलू को भी हमने बारीक बारीक कट करके ले लिया है। हम एक पैन ले लेंगे, पैन में 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा, हम उसमें डाल देंगे 4 से 5 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, थोड़े से तेज पत्ते डाल देंगे, 1/2 चम्मच शाह जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरीके से तेल में फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक चॉप की हुई प्याज, और प्याज को भी हम अच्छी तरीके से लाल फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही प्याज इस तरीके से पिंकिश फ्राई हो जाएगी, हम इसमें 2 बड़े टमाटर चॉप करके डालेंगे। टमाटर को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है हमने, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अगर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे भूनते जाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल के रेडी हो जाए। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें चॉप की हुई गोभी और चॉप किया हुआ आलू डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे और ढक के 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। हमें पानी इसमें अब नहीं डालना है। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसका पानी, जो गोभी का अपना पानी है, वो पूरा सूख चुका है। अब हम इसमें 1 कप के इतना पानी डालेंगे और अच्छे से हिलाकर इसको ढक देंगे करीबन 10 मिनट के लिए, जब तक कि गोभी और आलू अच्छे से ना गल जाए। अगर नमक कम है तो इस स्टेज के ऊपर आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हो। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद में हम चेक करेंगे, गोभी और आलू अच्छे से गल चुके हैं और रेडी है हमारी शाही गोभी आलू की सब्ज़ी, जो पक्के बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आने वाली है। तो कैसे लगी आपको ये मेरी शाही गोभी की रेसिपी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।